ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट काउंटिंग द नंबर ऑफ सुपर कीज। ओके, सो लेट्स से हमारे पास में एक रिलेशन गिवन है आर, जिसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर अप टू ए एन। हमारे पास एन एट्रीब्यूट्स गिवन है और ये हमें बोला गया है कि कैंडिडेट की हमारी ए वन है। हमें ये बताना है कि कितनी सुपर की इसमें पॉसिबल है, पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर कीज। ओके, आपको पता है कि कैंडिडेट की अगर किसी भी एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन में पार्ट होगी तो वो एक सुपर की बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए वन एक सुपर की है, ऑल कैंडिडेट कीज आर सुपर कीज, और ए वन के साथ मैं इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ऐड कर दूं। फॉर एग्जाम्पल, ए वन ए टू, ए वन ए थ्री, ए वन ए फोर अप टू ए वन ए एन, या फिर ए वन ए टू ए थ्री, या ए वन ए टू ए फोर, ऐसे ही ए वन ए टू ए एन। ओके, और इसी तरह से एक कॉम्बिनेशन ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन, सभी एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास ये बहुत सारी सुपर कीज बनेंगी। हमें बताना है पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर कीज। तो देखिए, अगर हमारे पास एक ही कैंडिडेट की गिवन है ए वन, तो हम इन सब कीज में से कोई एक इंक्लूड कर सकते हैं, इन सब एट्रीब्यूट में से कोई एक इंक्लूड कर सकते हैं या फिर एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ हमारे पास में ए वन ए टू ए थ्री ए फोर और ए एन तक एट्रीब्यूट्स गिवन है। ये तो हमें मस्ट इंक्लूड करना ही पड़ेगा, मस्ट इंक्लूड, क्योंकि इसके बिना तो सुपर की बनेगी नहीं। ये तो हमारी कैंडिडेट की है, इट शुड बी पार्ट ऑफ सुपर की। इसको हम इंक्लूड करें या ना करें, इसको इंक्लूड करें या ना करें, इसको इंक्लूड करें या ना करें, इसी तरह से इंक्लूड करें या ना करें। तो हमारे पास में हर एक एट्रीब्यूट के लिए दो ऑप्शन है, आइदर इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड। ऐसे ही इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, इसके लिए दो ऑप्शन है, इसी तरह से सारे एट्रीब्यूट्स के लिए दो ऑप्शन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सुपर की पॉसिबल विद ए वन एज कैंडिडेट की इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू अप टू एन माइनस वन टाइम्स। क्यों हुआ एन माइनस वन टाइम्स? क्योंकि आउट ऑफ एन एट्रीब्यूट्स हमें ये तो लेना ही है, तो एन माइनस वन बचे, तो इसलिए एन माइनस वन टाइम्स, दैट इज इक्विवेलेंट टू 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 द पावर एन माइनस वन। ये हमारे नंबर ऑफ सुपर कीज होंगे। ठीक है, अब लेट से हमारे पास दूसरा केस है। रिलेशन तो हमारा यही है, ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन, और इस बार हमें बोला गया कि कैंडिडेट की हमारी ए वन ए टू का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए वन एंड ए टू। तो इस बार क्या होगा, आपको पता है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर हमारे पास ए एन है टोटल एट्रीब्यूट्स, जिसमें से ये तो मस्ट इंक्लूड है, मस्ट इंक्लूड, क्योंकि इनके बिना तो सुपर की बनेगी नहीं, और बाकी बचे में हम इंक्लूड करें या ना करें, तो इसके लिए दो ऑप्शन, इसके लिए दो ऑप्शन, इसी तरह से इसके लिए दो ऑप्शन। तो आउट ऑफ एन एट्रीब्यूट्स दो तो हमेशा इंक्लूड करने ही है, ये वाले दो। ठीक है, तो बाकी कितने बचे, एन माइनस टू। ओके, तो हमारे पास कितना हुआ, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू अप टू एन माइनस टू टाइम्स। ओके, दैट इज टू टू द पावर एन माइनस टू नंबर ऑफ सुपर कीज विद ए वन ए टू एज कैंडिडेट की इन आर इज टू टू द पावर एन माइनस टू। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। लेट से हमारे पास इस बार कैंडिडेट की गिवन है ए वन कॉमा ए टू, मतलब ये भी एक कैंडिडेट की है और ये भी कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की कैन बी मोर देन वन। प्राइमरी की क्या थी कि हमारी ए जितनी भी कैंडिडेट की हैं उनमें से कोई एक को हम प्राइमरी की बना देंगे। ठीक है, तो हमारे पास लेट से ये रोल नंबर हो गया, एक ही
टेबल के अंदर और ये एनरोलमेंट नंबर हो गया, तो दोनों कैंडिडेट की है, ठीक है। हमारे पास रिलेशन वही है A1, A2, A3 अप टू AN, तो नंबर ऑफ सुपर कीज बतानी है। देखो अगर हम A1 को कैंडिडेट की माने तो नंबर ऑफ सुपर कीज क्या होंगे, सुपर कीज विद A1 प्लस सुपर कीज विद A2। अब इसके अंदर वो वाली भी सुपर की आ जाएंगी जिसमें A1 A2 होगा और इसमें भी A1 A2 वाली आ जाएंगी, यानी कि A1 A2 जिसमें होगा वो दो बार काउंट होगा, इसीलिए हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा कैंडिडेट की विद A1 A2। इसको एक वेन डायग्राम से समझ लीजिए, जैसे ये है सुपर कीज विद A1, ये है सुपर कीज विद A2। अब देखिए इधर से जब हमने ये काउंट किया A2 के अंदर, तो ये बीच वाला जो पार्ट है, ये कॉमन वाला जो पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास कौन सी कीज आ गई, जिसमें A1 भी है और A2 भी है, वो A2 की साइड से काउंट हो गया। ऐसे ही जब हमने इसको इधर से काउंट किया A1 की साइड से, तब भी ये इसमें इंक्लूड हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट इधर भी इंक्लूड हो गया, तो ये दो बार इंक्लूड हो रखा है A1 A2, इधर की साइड से भी और इधर की साइड से भी, इसीलिए हमने उसमें से माइनस कर दिया A1 A2। तो देखिए अब आसान है ये, कैंडिडेट की विद A1 ओनली, दैट इज 2 to the power n-1, क्योंकि एक ही पार्ट है, एक ही एट्रीब्यूट है, उसे 2 to the power n में से माइनस कर दिया, प्लस A2 का क्या है 2 to the power n-1, और इसमें दो एट्रीब्यूट्स है हमारे पास जो हमने अभी बताया था ऊपर, कि जिसमें A1 A2 एज ए कैंडिडेट की होगा तो वो ये होगा, कैसे निकाला था, तो दो एट्रीब्यूट्स हैं, तो 2 to the power n-2, दैट इज द नंबर ऑफ सुपर कीज विद A1 और A2 एज कैंडिडेट की इन रिलेशन R, जो अभी ऊपर लिखा था। एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट से इस बार हमारे पास कैंडिडेट की गिवन है, लेट से A1 A2 एंड A3, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन और A3 अलोन पॉसिबल है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, रोल नंबर A1 हो गया और A2 को हमने बोल दिया लेट से प्रोग्राम, ठीक है, बीटेक के अंदर रोल नंबर 1 होता है, और लेट से हमने बोला MBA में भी रोल नंबर 1 होगा, तो रोल नंबर प्लस प्रोग्राम की बीटेक है या MBA, दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा कैंडिडेट की है, और इसको हमने बोल दिया एनरोलमेंट नंबर, जो यूनिवर्सिटी वाइड सेम है फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे कैंडिडेट की हो गए। अब हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज, तो सुपर कीज विद A1 एंड A2 प्लस सुपर कीज विद A3 ओनली, और हमें इनके अंदर से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें A1 A2 A3 भी आ चुका है और बाकी सब भी आ चुके हैं, इसमें भी A1 A2 और A3 आ चुका है, तो हमें एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा A1 A2 और A3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 2 to the power n-2 प्लस 2 to the power n-1 माइनस 2 to the power n-3, ओके, दिस इज द नंबर ऑफ सुपर कीज। लेट्स से अनदर एग्जांपल इज कैंडिडेट की इज गिवन एज A1 A2 कॉमा A1 A3, ठीक है। देखो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस और दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस, सो बोथ कैन बी अ कैंडिडेट की, ठीक है। हाफ ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ दिस, दैट डजंट मीन कि ये कैंडिडेट की नहीं हो सकता, ठीक। देखो A1 और A1 A3 अगर ये गिवन होता तो दिस कैन नॉट बी अ कैंडिडेट की, बिकॉज दिस इज अलोन अ कैंडिडेट की। मैंने आपको बताया था कि कैंडिडेट की शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी अदर कैंडिडेट की, तो ये एक कैंडिडेट की है विच इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, तो ये कैंडिडेट की नहीं हो सकता। बट यहां पे A1 A2 कैंडिडेट की है, ना कि सिर्फ A1। अगर ये यहां पे लिखा होता A1 A2 A3 देन दिस इज नॉट अ कैंडिडेट की, बट दिस कैन बी अ कैंडिडेट की, ओके। हैविंग सेड दैट, हमें ये कैंडिडेट कीज गिवन है और हमें बताया गया कि सुपर कीज के काउंट बताने हैं, तो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ सुपर कीज। तो सुपर कीज विद A1 A2 प्लस सुपर कीज विद A1 A3
माइनस, अब देखो इसमें ए वन ए टू ए थ्री आ चुका है, इसमें भी ए वन ए टू ए थ्री आ चुका है, तो माइनस सुपर कीज विद ए वन ए टू ए थ्री। देखो दोनों में कॉमन है इसलिए यहां पे ऐसा नहीं लिख देंगे कि ए वन ए वन, ठीक है ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर ए वन ए टू ए थ्री आया है, इसमें भी ए वन ए टू ए थ्री आया है, तो उसमें से माइनस ए वन ए टू ए थ्री करेंगे। सो दैट इज टू टू द पावर एन माइनस टू प्लस, देखो ये वाली, ठीक है ये तो मैंने आपको बताया था इसमें आ गया, ये भी इसमें आ गया, तो ये इसको काउंट कर रहे हैं, टू की पावर एन माइनस टू माइनस टू की पावर एन माइनस थ्री, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज पॉसिबल। एंड लेट्स सी द लास्ट एग्जांपल, लेट्स से कैंडिडेट की इज ए वन ए टू एंड ए थ्री, इस बार हमारे पास तीन कैंडिडेट की गिवन है, तीनों अलग अलग, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ सुपर कीज पॉसिबल कितनी है। तो हमें पता ही है सुपर कीज विद ए वन, सुपर कीज हैविंग ए टू, सुपर कीज हैविंग ए थ्री। अब इसमें से कुछ माइनस करने पड़ेंगे, क्यों, देखो ए वन ए टू ए थ्री इसमें आ चुका है, ए वन ए टू ए थ्री इसमें आ चुका है, ए वन ए टू ए थ्री इसमें आ चुका है, इसमें ए वन ए टू भी है, इसमें ए टू ए थ्री भी है, इसमें ए वन ए थ्री भी है। इसको एक वेन डायग्राम से समझो, इसको लेट से हमने ये वेन डायग्राम बनाया, ये ए वन है, ये ए टू है और ये ए थ्री है। जब हम ए वन और ए टू की बात कर रहे हैं तो ये ए वन ए टू का कॉम्बिनेशन दो बार काउंट हो चुका है, जब हम ए टू और ए थ्री की बात कर रहे हैं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन दो बार ऐड हो चुका है। जब हम लेट से ए वन और ए थ्री की बात कर रहे हैं तो ए वन और ए थ्री का कॉम्बिनेशन ये ऐड हो चुका है, तो हम क्या माइनस करेंगे इसमें से, सुपर कीज हैविंग ए वन ए टू, हमने ये रेड वाला पार्ट जिसमें ए वन और ए टू ये वाला पार्ट माइनस कर दिया क्योंकि ये इसमें भी काउंट हो गया और इसमें भी काउंट हो गया, तो इसलिए एक बार इसको माइनस कर दिया। फिर हमने ए टू और ए थ्री में से ये वाला पार्ट हमने माइनस कर दिया क्योंकि ये इसमें भी काउंट है और इसमें भी काउंट है, तो सुपर कीज माइनस ए टू ए थ्री। और लास्ट में हमने ए वन और ए थ्री का ये वाला पार्ट जो तीनों में दोनों के अंदर काउंटेड है, इसमें भी काउंटेड है और इसमें भी काउंटेड है, वो भी माइनस कर दिया, ए वन ए थ्री। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास एक ऐसा पार्ट है, ये वाला पार्ट जो हमारा इसमें से भी माइनस हो गया, इसमें से भी माइनस हो गया, इसमें से भी माइनस हो गया, इसमें था, इसमें था, इसमें था, बट जब हमने ये तीनों में से माइनस कर दिया तो ये वाला पार्ट माइनस हो चुका है, तो हमें तीनों का कॉम्बिनेशन वाला पार्ट ऐड करना पड़ेगा, ए वन ए टू ए थ्री। ठीक है, फोर वाला केस मोस्ट लाइकली है कि नहीं आएगा, बिकॉज फोर वाले केस में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए तीन तक आप समझ लीजिए जरूर। तो हमारे पास ये कितना आया, टू की पावर एन माइनस वन प्लस ये वाला टू की पावर एन माइनस वन, ये वाला प्लस टू की पावर एन माइनस वन, माइनस ये वाला टू की पावर एन माइनस टू, ये वाला माइनस टू की पावर एन माइनस टू, और ये वाला माइनस टू की पावर एन माइनस टू, प्लस ये वाला, ये प्लस हो रहा है क्योंकि तीनों में से सब्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है ना, जब हमने ये वाला काउंट किया, ये वाला काउंट किया, ये वाला काउंट किया, तो ये वाला तीनों में से सब्ट्रैक्ट हो गया, इसीलिए हमें ऐड करना पड़ा, दैट इज टू की पावर एन माइनस थ्री। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज पॉसिबल। अब इसका अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे अगर आपको क्वेश्चन गिवन है कि आर आपके पास गिवन है ए बी सी और डी, चार एट्रीब्यूट हैं आपके पास में, एन नहीं है इस बार, ठीक है, और आपको बोला गया कि कैंडिडेट की है हमारे पास ए बी और सी, तीनों कैंडिडेट की हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज बतानी है, तो टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज क्या होगा, टू की पावर एन, एन की वैल्यू क्या है इसमें, फोर, तो टू की पावर एन माइनस वन, दैट इज फोर माइनस वन प्लस टू की पावर फोर माइनस वन प्लस टू की पावर फोर माइनस वन, माइनस टू की पावर फोर माइनस टू, माइनस टू की पावर फोर माइनस टू, फिर एक और बार
2 की पावर 4 माइनस 2 यानी कि दिस वन एंड दिस वन एंड प्लस 2 की पावर 4 माइनस 3 दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज दैट इज 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 1 दैट इज 8 प्लस 8 प्लस 8 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 2 एंड इट इज इक्विवेलेंट टू this is 24 minus 12 plus 2 that is 14 is the total number of super keys possible with this relation having these many candidate keys और आप चाहे तो एक homework के लिए इन सारी keys को लिख के देख सकते हैं for example a is a key b is a key c is a key ये तीन super key तो यही हो गई फिर a b is a super key a c is a super key a then BC is a super key. Super key के अंदर एक candidate key होना जरूरी है. एक से ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है? ये ही हमने आपको बताया था. Six हो गई super keys. Then ABC is a super key. Then आप अब और भी इसके अंदर super keys निकाल के देखिए. D के साथ में अभी हमने D को use नहीं किया है. केवल ABC से बना दी इतनी सारी super keys. जब आप इनको D के साथ में add करेंगे तो और भी सुपर कीज बन के आएंगी उनको लिख के देखिए टोटल 14 बनेंगी ठीक है थैंक यू